أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے میں تمام دوستوں اور بزرگوں کی اپنی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں اس تو بعد تمام دوستوں کی میں اپنی طرفوں اور گھر والوں کی طرفوں سارے کی دلی عطا کریاں نال ویلکم خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیا تو تساں سارے دوستاں بابا مشکور ممنون ہاں کہ تساں سارے اپنا قیمتی وقت کڈی گئے ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲੇ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲੇ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਬਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੁੱਲਾ ਮਾਮਾ ਅਯਾਜ਼ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਫਲੇ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਨੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਖਿੱਤਾ ਏ ਪਠਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਲਕਿ मैं दसा बैरूने ममालक इन्हों की बड़े अच्छे तरीके सुने जाना जोड़े साढ़े पठवार ने लो के कश्मीर ने लो के उन्होंने अच्छे तरीके सुने जाना इन्हों की मेरी मुराद साढ़े भाई इज्जत इमाम काबले इतराम राजा इसरार साहब आप जावर आवाद बड़ी प्यारी गुरसुर ने मालक और उन्होंने सियाई धरती तलक जोड़े किसी भी तारफ ने मुताज नहीं इज्जत इमाम जनाब राजा रिजवान साहब फखरे कलर सहीदा इनशाला थोड़ी देर तो बाद साढ़े स्टेज दिए रौनकों की दुबाला कर सन मैं दिल्लियाँ था गरियाँ वेलकम आखना खुश अमदेद साढ़े मोहतरम जनाब अज ने जोड़े स्टेज सैकटरी है बल्कि सड़ेजा ने बादशाह जोड़े किसी भी तारफ ने मुताज नहीं शम्मा पठवार राजा नसार अहमद यावर साहब मैंने की स्पेशल अपनी तरफों दिल्ली था गए रही वेलकम खुश आमदेद सत बिस्मिल्ला जी आया तू और मेरे भाई जनाब आफिस इखलाक साहब कने तू मैं इन्होंने शुक्रिया अदा करना हाँ मैं ज्यादा लंबी तमीद न बनना क्योंकि मेरे तो सीनियर जनाब राजा नसार यावर साहब इतने मौजूद है प्रोग्राम तो बकायदा वो अगर चला सन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सा कि ये छोटे बच्चे मेहरबानी करी दें पिछे चली गए जो तुम्हारी मेहरबानी है जितने दोस्त अब माड़ी आवाज बार भी सुनने हो मेहरबानी करो पिंडा ले अंदर तशरीफ ले आओ ताकि प्रोग्राम ना आगाज किया जाए ऐ मेहरबानी करो निकिया के ठा लो जी मैं मशकूर ममनून इस प्रोग्राम की तरतीब देने नाल बड़ा किरदार मेरी मुराद मेरे ताई काबले इज्जत साहब एहतराम आतफ साउंड सर्विस कलर सैदा ऑनर जनाब साढ़े मोहतरम काबले इहतराम इखलाक हुसैन भट साहब इन्होंने मशकूर ममनूना और मैं मशकूर ममनून राजा अशद कियानी साहब आप तोता अज ने इस प्रोग्राम में चीफ ऑर्गेनाइज जी ने तरफों सारे दोस्तों का शुक्रिया मेहरबानी जी टाइम काफ़ी हो गया हूँ मैं दावत देसा तुसनिया भरपूर ताड़ियों खिता पठवार कश्मीर ना बड़ा ना सड़ेजा ने बादशाह मेरे मुराद राजा नसार अहमद यावर साहब दोस्तों एक बार दिल खोल के ताड़ी मारो जी बिस्मिल्ला जी जनाब की दिल्लियाँ अथा गहराइया नाल वेलकम खुश आमदेद सत बिस्मिल्ला जी आया जी बकायदा प्रोग्राम की अगर तरतीब दे सन मैं इन्होंने भी मशकूर ममनून हाँ कि इन्होंने भी अपना कीमती वक्त कटिया और साढ़े इस ईवन ने रौनक दुबाला किया जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف مالک کل مختار کل رب قدوس نے نام جس نے انسانہ نے جوڑے بنائے اور انہوں نے درمیان پیار رکھے بے حد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات اقدس پر جنہاں نے رحمتا نہ حصار میرے تسانے اور تمام جہانا نے ارد گرد ہے محفل وچ موجود انتہائی عزتاں لائق سادات اکرام معزز و محترم مہمانان نے خصوصی مہمانان نے گرامی حاضرین مجلس میرے بزرگ و دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح تساں سارے دوست احباب بخوبی آگاہ ہو اج نی اے خوبصورت محفل محفل شیرخانی سلسلہ شادی خانہ آبادی ساڑے عزیز جناب محترم محمد ایاز کیانی اٹلی جنہاں نال تعلق علاقہ توتا راجگان نال جڑے کے نور چشمن جناب محترم راجہ اجمل فاروق کیانی صاحب
तोता राजगान ने इन्होंने शादी खान आबादी ने सिलसिले अज ना यह प्रोग्राम मैंने काद पजीर बहुत सारिया मोहब्बत शामिल और पेशगी दुआ कि मालिक कायनात इस शादी की बहुत सारिया खुशियां अदा करें और ये जिहड़ा रिश्ता मुनसलिक हो रहा यह दुनिया ने भी एक मिसाल होवे और मालिक कायनात बहुत सारिया बरकत अदा करें। बहुत सारिया मोहब्बत शामिल आरदिल अजीज शख्सियत इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत और बहुत मोहब्बत और प्यार और अखलाक वाली शख्सियत बड़ा देरी ना साथ बड़ी शफकत बड़ी मोहब्बत और आज ना ये जिहड़ा प्रोग्राम है इसने विच खसूसी तौर पर जनाब अपनी दावत और बंदा इन चीज की याद किया यकीनन मैं पिछला प्रोग्राम भी अज अखियां दे विच फिरना पिया बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इन्हां ना बड़ा यादगारी प्रोग्राम इन्होंने छोटी भाई की शादी ने सिलसिले में निकाह पजीर होया सी और मैं बंदा ना चीज ही मौजूद सा अज फिर इन्होंने मुहब्बत आई कि मैं मौजूद हाँ। दोस्तों तबीयत बहुत नासाज है और मुमकिन है मैं अपनी परफॉर्मेंस उस तरीके ना दे सका लेकिन क्यानी साहब ना हुक्म और क्यानी साहब की मुहब्बत जी है वो मैं उस ना पाबंद हाँ कि मैं इस स्टेज पर पहुंचना लाजमी समझना सा। जनाबे मोहतरम राजा अरशद क्यानी साहब फ्रॉम यूके आज ने इस प्रोग्राम ने चीफ ऑर्गेनाइजर इना तो इलावा जनाबे मोहतरम ताया दूल्हा ने जी मोहम्मद फारूक क्यानी साहब फ्रॉम इटली चाचाजाद भाई जनाब राजा अरुण क्यानी साहब इटली अजान अरशद क्यानी साहब जिड़े के नूरे चश्म जनाबे मोहतरम राजा अरशद क्यानी साहब ने और जनाबे मोहतरम फैजान अरशद क्यानी साहब आज नहीं इस तकरीब ने अंदर मेहमान खसूसी शख्सियात आदिल अजीज शख्सियात मेरे मोहतरम जनाबे मोहतरम हाफिज अखलाक साहब ऑफ कनोआ फ्रॉम यूके वेलकम खुश आमदीजिए जनाबे मोहतरम मलक अकमल इसहाक साहब फ्रॉम तोता जनाबे मोहतरम खलील साहब राजा खलील साहब ऑफ कनोआ राजा साकिब क्यानी साहब राजा एहसान क्यानी साहब पंजाब पुलिस जनाब राजा कैसर क्यानी साहब राजा एहसन क्यानी साहब फ्रॉम यूएई जनाबे मोहतरम राजा लुकमान क्यानी साहब यूएई राजा इब्राहिम क्यानी राजा तजारब क्यानी राजा जिशान क्यानी राजा जेब क्यानी। और दोस्तों इससे ही महफिल खसूसी शिरकत आरदिल अजीज शख्सियात मेरे मोहतरम किसी तारफ ने मोहताज नहीं इलाका पुंबली रवात नाल ताल्लुक बहुत खूबसूरत शख्सियत जनाब राजा अब्दुल गफार क्यानी साहब फ्रॉम पुंबली और आपने अमरा जनाबे मोहतरम खालिद महमूद पट्टी साहब चक खास वह भी तशरीफ फरमा जी चंद लम्बे तो बाद इस पिंडाल ने जीनत बन सक अज ना ये प्रोग्राम और इसनी खसूसी दावत और ताकीदे मजीद इलाकाए कलर और हूँ मैं समझ रहा कि क्यानी साहब ने बिल्कुल घमंड ही जनाबे मोहतरम मोहम्मद अखलाक भट्ट साहब जिड़े किसी तारफ ने मोहताज नहीं आवाजा की खूबसूरत बनाई गया तो सने सामने पेश करने वाले आतफ साउंड सर्विस कलर सहीदा पोटोहार कश्मीर मैं समझना पूरे पंजाब ने अंदर बल्कि हजारा ने अंदर भी बेशुमार इलाके ने विच इस साउंड ना ना बोलना है क्वालिटी और इन्होंने अखलाक जिहड़ा इन्होंने पहचान है जी इन्होंने हमें हफ्ता शामिल और साढ़े आरदिल अजीज दोस्त बहुत प्यारी शख्सियत ने मालिक जनाबे मोहतरम जावेद क्यानी साहब इस महफिल में तशरीफ फरमा बहुत खूबसूरत शायर है और बहुत अच्छे सीनियर और बुजुर्ग शायर मेरे मोहतरम साई गुल फयाज क्यानी साहब ने साहबजादे जी मैं उनकी भी वेलकम आखना खुश आमीद। दोस्तों चूंकि टाइम काफी गुजर चुके अब बिल्कुल बिला ताखीर कोशिश है कि मैं शेरखाना की स्टेज पर बुला जिड़े दोस्त पीछे बैठे हो ओ मैं रिक्वेस्ट कर सा क्यानी साहब ने तुसा वास्ते अच्छा माहौल बयान पेश किया कुर्सियां फॉर्म वाली या लेकिन तुसा तरतीब थोड़ी बिल्कुल किरी किरी के बहसो तो मजा नहीं अच्छा थोड़े जुड़ी के बहसो ताकि गाने वाले बयान करने वाले जो तुसा नाल मुखातब हो कम अज कम उन्हें यह पता लगे कि पता कुछ बैठा तो लिहाजा तुसा मेहरबानी करके जी इस महफिल की जीनत बने जनाबे मोहतरम मलिक शौकत साहब ऑफ बंगाल मैं अपनी तरफो इंतजामिया की तरफो अरशद क्यानी साहब की तरफो वेलकम आखसा जी खुश आमदीजिए।
आजी मोहतरम आजी औरंगजेब साहेब आफतोता राजकान असौना की भी खुश आमदी राखसा जी दीगर कुर्बो जवार तू इस मौजूदा इलाका इस पिंडाल ने भी तशरीफ फरमा जी। मैं तमाम मेहमाना की अपनी तरफ क्यानी साहब की तरफ और क्यानी बरादरी की तरफ तमाम दोस्तों की तमाम मेहमाना की खुश आमदी आखना जी वेलकम जी आया नो जी। दोस्तों बिला ताखीर अगर तुसा अपनी मुहब्बत का इजहार करो और शेर खान हजरात राजा इसरार हुसैन अफ जावा रवात और उन्होंने अमरा मेरे भाई बहुत खूबसूरत शख्सियत बहुत प्यारा जवान रब ताला ने शक्लो सूरत भी सोनी अता की गल बात भी सोनी अता की और इज्जत भी अता की है फन्ने शेरखानी ने अंदर भी बाहर बहुत प्यारा ना मेरे मोहतरम राजा रिजवान साहेब फखरे कलर सईदा राजा इसरार हुसैन आफ जावा। दोस्तों ऐसा ना जिस दोस्त ने थोड़ी जी उम्र ने अंदर थोड़े जी अरसे ने अंदर ऐसा नाम बनाया है कि अज बजक वक्त बच्चे बुढ़े जवाना ने दिला नहीं धड़कन है राजा इसरार हुसैन आफ जावा और शेर खान अज ने दौरे चो ही कामयाब है जिहड़ा जनरल स्टोर है जिसने को सारे सौदे मौजूद हो सारे दोस्तों का ख्याल रखने वाला। जी दोस्तों बिला तखीर दोस्तों की दावत ऐसा जनाब राजा इसरार हुसैन आफ जावा रवात और जनाब राजा रिजवान साहेब आफ कलर सईदा वेलकम खुश आमदी जी आए जी तुसा सडे जब तशरीफ लियाओ वेलकम। इंशाल्लाह आज नी ए महफिल बिस्मिल्लाह जी वेलकम राजा रिजवान साहेब और मोहतरम ठहरो 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 जी ठहरो रुको जी रुको क्योंकि मियां साहब लिखिया सी भाई सदा सदा हाथ आंदा नहीं ए कर्मा दा वेला कैमरे नी आखने विच ए मंजर कैद होना पिया जी ए फोटो सेशन ए याद दिलाना रहा सी अज चुके नेट ना दौर है पूरी दुनिया जी अखलाक भट्ट साहब अच्छे माड़े कोल अच्छे से भट्ट साहब चुके अखलाक भट्ट साहब इस महफिल ने रूए रवाए जी आज ना ये प्रोग्राम अरेंज करने विच इन्हां दीआं बहुत सारिया मुहब्बत शामिल आ जनाबे मोहतरम मुहम्मद अखलाक भट्ट साहब जी बिस्मिल्लाह जी मोहतरम वेलकम। दूल्हा अजीजम ने वालदे ग्रामी इस महफिल की जीनत बने जी जनाबे मोहतरम अजमल फारूक यानी साहब जी मैं खुश आमदी रखसा वेलकम और पेश की मुबारकबाद पेश कर सा कि मालिके कायनात इन्होंने कार खुशियां अदा की दिया और ताकि अमत महफूज रहमान जी जी दोस्तों एक बार भरपूर तालियां होनी चाहिए बड़ी मेहरबानी जी दोस्तों मेरे और तुसा ने प्यारे आका करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमाना ने कदर करके दसी है और मेहमाना ने कदर करने वास्ते भी बड़ा बयान फरमाया। तो दोस्तों आज नहीं इस महफल ने मेहमान खसूसी जनाब मोहतरम हाफिज अखलाक साहेब आफ कनोआ फ्राम यूके और जनाब मोहतरम मलक अकमल इसाक साहेब आफ तोता मैं मुलतमिस हाँ कि तुसा तशरीफ लियाओ जी। दोस्तों जनाब मोहतरम हाफिज अखलाक साहेब कनोआ फ्राम यूके और जनाब मलक अकमल इसाक साहेब वेलकम जी खुश आमदीद जी हैं मोहतरम इतने माड़े नजदीक अच्छो ना क्योंकि कैमरे ने बिच अस भी जाने के महफूज हो आए बिस्मिल्लाह। मैं अपनी तरफ और इंतजामिया की तरफ अरशद क्यानी साहब की तरफ फारूक अजमल फारूक क्यानी साहब की तरफ तमाम क्यानी बरादरी की तरफ जी जनाब मोहतरम इज्जत माब हाफिज अखलाक साहेब आफ कनोआ फ्रॉम यूके और जनाब मोहतरम मलक अकमल इसाक साहेब आफ तोता मैं अपनी तरफ इंतजामिया की तरफ खुश आमदीद आखना जी वेलकम भरपूर तालियां इस्तकबाल किया जाए साढ़े मौजूद मेहमान मेहमान खसूसी इस महफल ने जीनत बने बिस्मिल्लाह जी अपनी मखसूस नशिस्तों पर तशरीफ रखो इधर सामने आ जाओ। जी दोस्तों मैं चाहना कि फिर तातुल ना वह रबता मुनकता ना वह सारे दो मेहमान रहने
मैं उन्हें की भी इस महफल में बुलासा दोस्तों अलाका रावत पुंबली और चक खास ये दो दोस्त ऐसे सारे मेहमान है कि मैं समझना इस टाइम साड़ा जो फन है इस फन की कदर करने हुए जनाब राजा अब्दुल गफार कियानी साहब आफ मुबली और जनाब खालिद महमूद पट्टी साहब आफ चक खास इस महफल ने जीनत बढ़ने पे मौजज मेहमान खसूसी और मैं अपने इस पिंडाल के अंदर बैठे तमाम दोस्तों की गुजारिश कर सा कि तुसा भरपूर तालिया नाल अपनी मुहब्बत का इजहार करना है जनाब राजा अब्दुल गफार कियानी साहब जनाब खालिद महमूद पट्टी साहब आफ चक खास राजा फहीम साहब ऑफ मक फ्रॉम यूके और आपने हमरा जितने भी मेहमान आए जी मैं अपनी तरफ जनाबे मोहतरम अरशद कियानी साहब ने तरफ वेलकम आखसा खुशामदी जी आए नो तोता राजगांव के अंदर एक खूबसूरत पिंडाल आज ना एक खूबसूरत प्रोग्राम महफिल शेरखानी राजा इसरार हुसैन ऑफ चावा रवात बामरा आर्दिल अजीज शख्सियत फखरे कलर सईदा जनाब राजा रिजवान साहिब इस पिंडाल ले विच मौजूद इंशाल्लाह दोस्तों पेशगी तवक्कु है कि आज नहीं ये महफिल जिहड़ी है इंतहाई जानदार और खूबसूरत होसी और दोस्त महफूज महजूज हो सन इंशाल्लाह मेहमाना की मेजबाना की गुजारिश है कि अपने मेहमाना की तुसा स्टेज पर पहुंचाओ ताकि महफल आगाज हो गया टाइम काफी गुजर चुके ये दोस्तों राजा अब्दुल गफार कियानी साहब आफ पुंबली और जनाब खालिद महमूद पट्टी साहब राजा राशिद साहब आफ बीरगाला वेलकम खुश आमदीद जी आया जी दोस्तों सारे स्पिंडाल की जीनत बने जनाब राजा अब्दुल गफार कियानी साहब जी मेरे मोहतरम खालिद महमूद पट्टी साहब वेलकम खुश आमदीद कियानी साहब बिस्मिल्लाह कियानी साहब माला ए चुके गखर जड़े ना जी बिस्मिल्लाह मेरे भाई जनाबे मोहतरम खालिद महमूद पट्टी साहब वेलकम जी तल तोता ने इस खूबसूरत मकाम पर कियानी बरादरी ना मान बधाने होया मेरे भाई मेरे मोहसन राजा अब्दुल गफार कियानी साहब दोस्तों ना खुशामद है ना लालच है ये दो दोस्त जड़े साड़ी इस महफल की जीनत बने मैं समझना किसी भी जगह साड़ी कोई महफल होनी है तो इन्हों दो दोस्तों ने अपने घर की अग लाई है अपन मुहब्बत का इजहार और मैं समझना के दूर दराज तक महफल ने भी जाना टाइम देना दोस्तों किसी कोई टाइम नहीं हर बंदा समझदार है लेकिन मैं समझना के ये जड़ी फन शेरखानी है इसने पर भी आना बड़ा आसान है और दोस्तों ने माण बधाने और अज राजा अरशद कियानी साहब फ्रॉम यूके आफ तोता राजगान ना माण बधाने हैं इस महफल की जीनत बने मैं अपनी तरफ जनाब अजमल फारूक कियानी साहब की तरफ राजा अरशद कियानी साहब की तरफ मैं एक दफा फिर वेलकम आखसा जी वेलकम बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश जनाब राजा अब्दुल गफार कियानी साहब तशरीफ रखो जी दसो इंतजार दी घड़ियां खत्म बस सिर्फ दो या तीन शेर सुनासा और उस बाद मैं माइक राजा रिजवान साहब ने हवाला कर सा दोस्तों मैं दूल्हा मोहम्मद अजाज कियानी नूर चश्म जनाब अजमल फारूक कियानी साहब आफ तोता राजगान मुबारकबाद पेश करने तो बाद मुख्तसर अजी के मोहब्बत मुरवत खुलूस दे नाल करना पेश सलाम में दोस्ती दे इंतकामन ना कदी मैं सोचदा या रखा सुखन कलाम में दोस्ती दे एतराफ इसदा मेरे यार कर दे कीती जिंदगी नाम में दोस्ती दे मैं सफीरे मोहब्बत निसार यावर देंदा रहना पैगाम में दोस्ती दे और मेरी महफल में मौजूद है मोहतरम जनाब जावद कियानी साहब जावद फयाज कियानी साहब मैं उन्हें की भी गुजारिश कर सा मुख्तसर हाजरी दो या तीन अशार तुसा भी तशरीफ लियाओ ताकि फिर इसके बाद असा इस महफल की शेरखानी वाले पास है वेलकम जी खुश आमदी जी आए जनाब साईं गुल फयाज कियानी साहब ने साहबजादे वेलकम जी बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाजरीन महफल दोस्तों बुजुर्गों सारे की अस्सलाम वालेकुम। शेर बतौर हाजरी एक दो ही उस्तादा ने शेर तो कि तेरी जात तरबुल आलमीन रब्बा तू जमीना दा रब आसमाना दा रब शजरो हजर दा रब बरगो समर दा रब कलियां गुला दा रब गुलिस्ताना दा रब तेरा कुन रब्बा धुन गुन रब्बा जिन्नो बशर दा रब हैवाना दा रब शाह रग दी वद नेड़े पेत दिलों ने जानदा जाना दा रब शाह जाना दा रब शाह गाना दा रब खुदा घरा दा रब सुल्ताना दा रब रोजी कीड़िया नू देना है पत्थरों विच मौजे तूफान दा रब पात बाना दा रब तेरे हुक्म बिन कख ना हिलदाई कर सादा तू दोवां जहाना दा रब ओ जेदी शान तू शाना फयाज बनिया ओ सोने मां मन्निया शाना दा रब। शबे वसल याई जरो कुछ भी हो शबे वसल याई जरो कुछ भी हो शबे वसल याई जरो कुछ भी हो मैंने इश्क को इश्क ने मुझे देखा मैंने देखा है शम्मा का शर रोशन और पास परवानों को रुझे देखा मैंने देखी जुदाई में तड़प नाला नाजक दिल को जलते बुझे देखा मैंने खाबू ख्यालों में रोज जावद आंसू तुझे पास तुझे ही तुझे देखा सदके दिल मेरा मेरी जान सदके इश्का इश्क माँ बारे दिशा लाल तेरी दी का ईद सहित मेरी कसम पाक दीवारे नी सौ लैन ओदे बाद जिंद कफ से ना तवा मेरी रोगी दिल बेचारे दी सौ लाल ओ मैं राजे नी जावदा इन चट्टी में थी तक अजारे दी सौ लैन बहुत सारी तालियां जी जनाब जावद फयाज ज्ञानी साहब बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया हमदिया बड़ा खूबसूरत कलाम इन्हें पेश किया और आगाज भी हो चुका और बस जनाब मेहमाना नहीं नजर सिर्फ दो चार मिसरे और उसके बाद में माइक दोस्तों की देसा चूंकि मेरे सामने हाफिज साहब भी तशरीफ फरमाए जावेद क्यानी साहब तवज्जो उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं मुतमाइन ऐसे है जैसे हुआ कुछ भी उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं मुतमाइन ऐसे है जैसे हुआ कुछ भी नहीं अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं उसको खोकर मेरे पास रहा कुछ भी और कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बाद कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बाद अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बाद अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने तू ये समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने तू ये समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं शेर अर्ज़ा जी के खातर यार दिलदार प्यारे आदि खातर यार दिलदार प्यारे आदि अखीरा बिछाणिया जाने ले खातर यार दिलदार प्यारे आदि अखीरा बिछाणिया जाने साडी किसे ने यारो की रीस करनी असा महफला लाणिया जाने ओ वे दुश्मन ते दुश्मन दी अख अंदर असा अखियां बाणिया जाने साडी नसल आ यावर वफा वाली असा तोड़ नहीं बाणिया जाने आखिरी शेर रंजो गम जमाने के भूल जाओगे मौका मालनी निस्बत छोटे अजीज निशादी मोहम्मद अजाज कियानी के रंज गम जमाने के भूल जाओगे तुम्हें यार मैं इतना प्यार दूंगा
रंजो गम जमाने के भूल जाओगे तुम्हें यार, मैं इतना प्यार दूंगा कातर रंगे इनाम में खून दूंगा, उलझी जुल्फों को मैं सवार दूंगा, बाकी दिन आयात के जो अपने तेरे दर पे बस गुजार दूंगा, तन मन अपना यावर धन दौलत तेरे सर पे सब कुछ वार दूंगा। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نائب قابل احترام مہمان گرامی اور جناب پرائے جتنے بھی دوست بھائی بیٹھے ہو، سارے دوستوں کو مل کے خواہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام ساڑھے قابل احترام جناب شمع بٹوار راجہ انسان جاور صاحب، انہوں کوئی فرق نہیں چھوڑیا، لیکن پانچویں تقریب صحیح شادی خانہ آبادی نے سلسلے جناب ایاز گیانی صاحب جڑے ساڑھے محترم جناب قابل احترام جناب صدر محفل ارشد کیانی صاحب، انہوں نے بھتیجے، میں اپنی طرف انہوں کی مبارکباد پیش کرنا، اللہ پاک انہوں کی سلامت رکھن جنہاں اتنی پیاری محفل نے اہتمام کیتا، اور بالخصوص اس محفل نیا محنت کوششاں جتنے بھی ہاں ساڑھے انتہائی قابل احترام جناب محترم اخلاق بٹ صاحب آتف ساؤنڈ سروس کلر سیدھا، اور جناب اس محفل تشریف فرما مہمان خصوصی میرے بھائی جناب آفز اخلاق صاحب، اور جناب ملک اکمل صاحب، اور جناب راجہ خلیل صاحب، اور جناب ساڑھے قابل احترام جناب عبدالغفار کیانی صاحب، اور جناب خالد پٹی صاحب، انہوں کی ویلکم خوش آمدید ساڑی محفل نے زینت بنتے، اور جناب بالخصوص اس پنڈال جناب چودھری وسیم صاحب، چودھری رنگزیب صاحب، اور دیگر جتنے جتنے دوست بیٹھے سارے کی ویلکم خوش آمدید، چونکہ میری کارنی محفل ہے۔ اللہ پاک میرا بھائی اس گھرانا تعلق رکھنا جڑے کہ اس دنیا تو چلے گئے، جناب عرفان کیانی صاحب، اللہ پاک انہاں کی جوار رحمت جگہ عطا فرما، بڑا پیارا بھرا سا سڑا ہو بس ہمیں ٹر جانا، لیکن انہوں نے یہ کمیاں ضرور محسوس ہونی۔ اور جناب ساڑے بھائی دبئی رحمان کیانی صاحب، ملک عادل صاحب، ملک بکاس صاحب، سارے دوستوں نے محنت کافشن منعقد ہوا، سرکار میاں صاحب سرکار فرمانے کے میرے نالوں ہر کوئی بہتر، میں آنی چا جانا تھوڑا بہتا شیر سہن کا وعدہ کاٹا جانا، دوستو انشاءاللہ کوشش کرسا کہ تساں کی محظوظ کرا، میرے نال میرے بھائی جناب راجہ اسرار صاحب انشاءاللہ بھی تساں کی اچھے طریقے نال محظوظ کرسن، اور چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ایک دفعہ پیارے نبی نا کلمہ یاد کرو تاکہ محفل آغاز کیتا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چند منٹ ساز اس نے تو بعد محفل شرفانی جی ہے Thank you.
दोस्तों सारी इस महफल ने विच खसूसी दावत जनाबे मोहतरम अरशद कियानी साहब ने साढ़े इस पिंडाल की जीनत खसूसी शिरकत जनाबे मोहतरम अब्दुल खालक साहेब मंडी बावलदीन फ्रॉम इटली और उन्होंने हमारा जनाबे मोहतरम शेख सुफियान साहेब मंडी बावलदीन इटली और आपने हमारा जितने भी मेहमान तशरीफ लिया है जी, मैं अपनी तरफों अरशद कियानी साहब की तरफों और तमाम दोस्तों की तरफों वेलकम आखना जी, खुश आमदी जी हैं जनाब अब्दुल खालक साहेब फ्रॉम मंडी बावलदीन और शेख सुफियान साहेब। और दोस्तों मैं एक ना गिनना भुल गया सा मेरे अजीज जनाब अब्दुल गफार साहेब जेडे स्टेज पर इस महफल के अंदर साउंड भी प्ले करने और बहुत करीबी दोस्त हैं मेरे भाई जनाब अखलाक भट्ट साहब ने और बड़ा अच्छा बोले बड़ी अच्छी कंपेयरिंग करने और उन्होंने मुझे दावत दी है बड़े खूबसूरत अंदाज में, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, अल्लाह पाक उन्होंने इल्म व अमल में इजाफा फरमाया, आमीन। शादी खाना आबादी ने सिलसिले मुनक़द हुई है, अज ने इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जनाब एजाज कियानी साहब दोनों की मुबारकबाद पेश करना और खुसूसन
इस प्राम ने चाहत अरशद ज्ञानी साहब जेडे युग विच होने और मेरे भाई जेडे सरदार अपने बताज ने इखलाक बट साहब आतफ सौ सर्वस कला सेगा उन्होंने चाहत हुक्म ने मुताबिक हाजिर होया। कोशिश कर सा कि जिस मोहब्बत नाल प्यार नाल महफिल सा सजाई है इंशाल्लाह महसूस कर सा सभी। बड़ा प्यारा शेर मेरे भाई ने पेश किया अल्लाह ने बरकत नाम तू महफिल आगाज होया राजा ने सारे मन यावर साहब ने लिखा शेर आवाज के लिए आख्या भाई सजरो अल्लाह के नाम तू शुरू महफिल अल्लाह के नाम तू शुरू महफिल ओ आर तारीफ लाइक Oh,
लेकिन उसनिया रहमत बड़िया बेशुमारियां ते सरकार बाबा नाज़िम साहब सरकार लिखने के असी फुल बैठे रब बुलिया और जनाब मलक सांसद साहब बयान किया है मलक मुकाश साहब जी रमान ज्ञानी साहब और जनाब मलक आदर साहब बुलिया नहीं बेहद यो करम कमाई जाना पत्थर विच भी वेख लो नालिकमा पत्थर विच भी वेख लो नालिकमत मरोजी कीड़िया ताई पचाई जाना जरूर उसने बाजे नू चंगा लबाई जाना अक
अकल समझ आमदी मूल नाए कुदरत अगले बरती लैके दोस्ता जिन्हें अल्लाह ने प्यारे जा सकते हो कम रब सिफारिश नबी ते नजर वली दी फैसला ता पता ऐसे दोस्त उन अगर मदान के ना दे लायक उसने जात सच्ची है वो जो कुछ है कर सकना एक अंतजया शेर असगर साहब ने लिखा पेश करना आड़ा गुनागार पदकारा शक कोई नहीं मेरे मालिका गुनागार पदकारा शक कोई नहीं मेरी अर्ज की करी मंजूर मौला भेज दो जार विच नहीं कोई उधर मैनो भेज दो जार विच नहीं कोई उधर मैनो क्योंकि मुझ में कोर मौला भेज दो जार विच नहीं कोई उधर मैनो क्योंकि मुझ में काफी कसूर मौला लेकिन आजा के दो दख जा दिया दो दख जा दिया मैनू ना वेख लावे दो दख जा दिया मैनू ना वेख लावे सोना अरबी ओ पाक अजूर मौला मैनू वेख के ओ जरूर कैसी मैनू वेख जाना ना भेजना तू खातर यार दियो सब मजबूर बोला भाई क्यों तेरे मुंह तू वो मालिका तेरे मुंह की गलिया गल आउटी तेरे मुंह की गलिया गल आउटी आह वो तेरे नूर से नूर बोला तला जो यार दी Oh,
मेरे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शान में चंद रुपया पेश कर रहे हैं, थोड़ी तरजो दैगी की छाई की नवाजगा बदली की चला, बदली की चला, बदली की चला।
और जनाब राजा खलील साहब और बिलखसूस सारे मोहतरम सारे काबिले इहतराम तशरीफ फरमा गुफार कियानी साहब और जनाब खालिद पट्टी साहब और पेश नजर जनाब शमा पठवान अल्लाह पाक मजीद इस्लाम का नवाजा हर महफिल में गाना उन्होंने पेश नजर और मेरे भाई इतलाक भट्ट साहब इन्हें क्या जी के नाच सुनाओ भाई पे खुद ये देते हैं और जनाब मलक शौकत साहब और जनाब चौधरी वसीम साहब चौधरी मुदस्सर साहब जो के खुद ये देते Thank you.
ज्ञानी एहसन ज्ञानी और साकब ज्ञानी एहसान ज्ञानी कैसर ज्ञानी साहब इन्हें सजना चाहता है और मेरे भाई इखलाक भट्ट साहब खालक भट्टी साहब और जनाब गफार ज्ञानी चिल्ली फखरे फुबली और दुनिया ने किस कोने मुसलमान मामा उसने दिल में हिब जरूर कि उस जगह ना एक दफा मैं दीदार कर बड़ी प्यारी नात लिखी है मैं कोशिश दसा जिस तरह ना प्यार ना लिखी है उसी तरह मैं पेश करा दुआ है कि अल्लाह पाक इस नात ने सदके इस बजम में जितने भी ऐसा सबैन बैठे हुए हैं अल्लाह पाक असाई उस सोने कमरी वाले ना जो रोजा है ऐसा दीदार नसीब फरमा
काबिल इत्राम जनाब शमा पटवार निसार जावर साहब तो सबकी मौजूद कर सकते हैं। जी दोस्तों, जेड़े दोस्त चाह पीने में वो तो यकीनन एक हाथ फारग नहीं है, लेकिन अगर तुम समझ रहे हो राजा रिजवान साहब और राजा इसरार साहब खूबसूरत गाने पे अच्छे अंदाज में तुसा की महसूस करने और कियानी अरशद साहब और इन्होंने तमाम बरादरी ने तुसा वास्ते अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, तो कम अज कम एक बार तुसा दी जरूर तालियां दसन कि वाकई तुसा बैठे महसूस होने पे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज जनाब राजा रिजवान साहब जड़ी नात पढ़ी है ना, आ दिल में तुझे रख लूं, दोस्तों ये नात जड़ी है ये शोरा आफाक नात है और आफाकी नात है और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा कलाम लिखा है कि पूरी दुनिया ने अंदर पूरी दुनिया ने अंदर अंदर ये पढ़िया जाना। और मैं समझना जिस भी दोस्त ने जिस भी सना खान ने गाया उसने पर करम होया और अज इस महफिल में राजा रिजवान ने बहुत खूबसूरत अंदाज है। मैं समझना फन्ने शेरखानी ने अंदर जितने भी दोस्त नात पढ़ने बिलखसूस खासकर ये जड़ी नात है ये हर शेरखान नहीं पढ़ना है और राजे रिजवान ने आज मैं समझना कि मुकम्मल हक अदा किया। शेरखानी ने दुनिया ने अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज की सरकार ने नात पढ़ी है। मेरी यह दुआ है कि मालिक कायनात कबूल फरमान और सरकार मदीना सारे दोस्तों पर अपना खसूसी फजल करम फरमान। जिते तक राजे इसरार की गल है, चूंकि राजा इसरार मौजूदा इस फन्ने शेरखानी ने अंदर गीत होवे गजल होवे नात होवे चार मिसरा होवे या लंबा शेर होवे उसने एक अपना स्टाइल है उसने एक अपना अंदाज है और दुनिया पसंद करनी है अपने खूबसूरत अंदाज यकीनन दोस्तों की महसूस करना है। दोवां दोस्तों ने बहुत ही अच्छा हूं तक और यकीनन रहनी जी महफल उसने तो भी तवक्को रखने दोस्तों जरूरी ऐलान है। थोड़ी देर पहले ही राजा सगीर साहेब साढ़े एम पी ए और सूबाई वजीर जेड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छा ताल्लुक है जनाबे मोहतरम अरशद कियानी साहब नाल आपने फोन किया खैरियत भी पूछी है और इस महफल ने बारे च भी पूछा कि महफल कैसी होनी है। अभी कियानी साहब ने दसिया मैं अपनी तरफों जनाब राजा अरशद कियानी साहब की तरफों और तमाम कियानी बरादरी की तरफों शुक्रिया अदा करना जनाब सूबाई वजीर और इलाकाए मटोर ना बहुत बड़ा ना मौजूदा मैं समझना एम पी ए तो थे ही थे अवामी एम पी ए अवामी एम पी ए होना के सीट ना भी आवे वो एम पी ए ही होना है। और मैं समझना कि आज ने दौर राजा सगीर साहब ऐसी आवाज है पटवारनी ऐसी आवाज है कि मैं समझना ईवाना ने अंदर इन्होंने अपना एक मकाम पैदा किया। साड़िया दुआ इन्होंने ला लिया बहुत अच्छी शख्सियत ने मालिक है बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी बड़ी नवाजशी। जनाबे मोहतरम अरशद कियानी साहब ना हुक्म एक शेर ना और उस बाद में इजाजत किस्सा शेर अब्दुल गफार कियानी साहब मशहूर शेर है राजा रिजवान साहब चूंकि माइंड सेट जो होना मिजाज होना और यकीनन शेर नाल मुताबकत खाना होना तुसा की भी तुसा ना मिजाज ऐसा है शेर ऐसा है कि अरशद कियानी साहब कियानी साहब तवज्जो तुसा के मालिके कायनात ने पांच चीजा मुकम्मल तौर पर अपने हाथ च रखिया केड़िया केड़िया इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत और रिस्क। आफिस साहब ये गल ठीक है बंदे हजार कोशिश करन इन्हां चीजा की कटाने ने नहीं कट सकनी इस वजह तो कि मालिके कायनात ने अपने हाथ च रखे इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत और रिस्क रब ने अपने हाथ च रखे है। तो फिर मैं लिखा जी के इज्जत जिल्लत खुदा दे हाथ अपने तू जाड़ सकना है की बगाड़ सकना है इज्जत जिल्लत खुदा दे हाथ अपने तू जाड़ सकना है की बगाड़ सकना है इतना है कि असद दिया कि अंदर जिगर साड़ सकना है की बगाड़ सकना है इतना है
کی اسد دی اگ اندر ذکر سار سکنا ہے کی وگاڑ سکنا یعنی سب شکریہ اتنا ہے کہ اسد دی اگ اندر ذکر سار سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے جس دی شورت کا شجر رب لا دتا تو کھڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے شاور چوشے جنو اور کیے کپڑے پھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے یاور جوشے جنو اور کیے کپڑے پھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے ارشد کیانی صاحب چکے کچھ لوکاں یہ کوشش ہونی لوگ ہی گلا ہے بھائی ارشد کیانی صاحب کول پیسے کتھوں چنے ارشد کیانی صاحب کی عزت کس طرح ملنی تے میں انہاں کی کچھ سمجھانے کی کوشش کیتی ہے اور اس طریقے نال کے میری کھوج سراغ نہ لا سکتے میری کھوج سراغ نہ لا سکے آفیس صاحب میری کھوج سراغ نہ لا سکے متا مارتے رہے بوتی مت والے کرتے رہے سامان مقابلے دے چوکھے زور والے چوکھی رات والے سامنے آئے تو پھر کیا ہویا اپنے آپ دے ہوش بھی بھول گئے نے سر نگو ہو گئے ایٹی تھات والے یاور سب دے میدان ہی بار آیا رکھی لاج میری دیلی چھات والے राजा मसार यावर साहब और जनाब इखलाक भट साहब आतक सोन सरहस कलर से का सारी महफले जीना पड़े बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया हूँ जनाब सरकार हाजी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फिखड़ी ने जम बोल इस महफल की तशरीफ फरमा बड़े प्यारे जी दोस्त बड़े काबिल इहतराम दोस्त जनाब असाम ज्ञानी साहब पूरी राजघराना तलक और जनाब शकील पट्टी साहब कोटली आजाद कश्मीर उन्होंने विचार और बिलखसूस जनाब सर जनाब गुफार पट्टी साहब और जनाब मलक आदम साहब इन्हें निचार के मुताबक और जनाब इस महफिल की जीनत साढ़े अर्दिल अजीज काबिल इहतराम जनाब हाफिज इखलाक साहब और जनाब राजा खलील साहब और जनाब इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत साढ़े नाए की काबिल इहतराम इस महफिल मौजूद नहीं लेकिन साढ़े दिल मौजूद है चौधरी ज़ियारब साहब उन्होंने साहबजादे चौधरी काब साहब और क्यानी रहमान साहब इन्हें सारे साथियों की जात मुताबक जनाब कासिमा साहब और साढ़े काबिल इहतराम बड़े प्यारे हर महफिल रौनक चौधरी रणजीत और अंदाई माजर कल मैं जिन्हें नहीं रहा जनाब असाम क्यानी साहब साड़ी इस महफिल की तशरीफ फरमाए उन्होंने पेशे नजर मलक सादक साहब लिया सरकार आज मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फिखड़ी सरकार फिर बने के हम भी पेशे सरकार ने ना दिए
ਪੁੱਛ ਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ ਕਿ Thank you.
सारे जनाब गफार क्यानी साहब
और जनाब खालिद पट्टी साहब के जितने मेहमान आए हैं और मरहूम मेरे भाई जेड़े इस दुनिया तो पर्दा फरमा गए, इस ग्रां निशान, इस इलाके निशान, जनाब इरफान क्यानी साहब अल्लाह बाग जवारे की जगह का फरमा, अल्लाह बाग मौला ने मुश्किल के शाह शेरी खुदा ने सबके नाम महफिल जश्न सजाई है अली ने जिस महफिल सुल्तान जिक्र का लगा हुआ है Thank you.
पेश करना था जिस तरह का सजना चाहत हुई और इजाज ज्ञानी साहब, हारून ज्ञानी, एहसन ज्ञानी और साकब ज्ञानी साहब, एहसान ज्ञानी और कैसर ज्ञानी साहब और साढ़े भाई जिन्होंने कुशल काशन आज महफिल में कर दी है, अरशद ज्ञानी साहब इन्हों सारा सवाना की नज़र बचन बोले सुसन चाद फार ज्ञानी साहब और रुके में साढ़े भाई राजा सजाद साहब डाली ने तलक, राजा इजाज शाही ने तलक हाई वैकम यूके विच गम वजीर और राजा हजर साहब चक शहजाद ने तलक गम वजीर यूके इना सारा सजनन चाहता चंद बोल में पेश करना सुसन गफार ज्ञानी साहब चाहता Thank you.
सिर्फ आखिरी फरमाए बड़ी मेहरबानी जी जनाब कहने साहब अपनी जिलत बने से शुक्रिया कुर्बानी आखिरी बिलखसूस बड़े प्यारे जी भाई मेरे कादर साहब और मेरा मां शहजादा भाई जनाब साहब और रहमान प्यारी साहब अरुण प्यारी साहब और जनाब अब्दुल खालिक साहब इटली और जनाब आसान क्यानी साहब गोपाल कैन साहब इन सारे साथियों चार मरतब मरहूम फखरे पठवार बल्कि फखरे पाकिस्तान अल्लाह जवारे रहमत जगह ताफरमान जनाब चौधरी मोहसिन साहब उन्होंने याद और जनाब सदर महफिल अरशद क्यानी साहब उन्होंने चार मरतब मलक सादिक साहब इन्होंने विचार और जनाब राशिद भट्ट साहब हकीम सऊदिया और जनाब चौधरी शहीद साहब यूएई यूके और जनाब चौधरी गुरबान साहब चौधरी जुबैर साहब यूएई जनाब अकबर साहब दुबई नवाबी राजा जनाब मेहरान साहब इन साथियों ने चार मरतब पाकिस्तान जज़ाका फरमान और जनाब साढ़े नायब काबिल इहतराम बुजुर्ग आए बाबा आरफ साहब अल्लाह पाक इनका किस्से तंदुरुस्ती अता फरमान राजा जैन साहब बहरा सिंगार और जनाब राजा फरमान पंजाब प्रदेश मेरे ज़हन विच यादां पुरसो I'm gonna make it.
Thank you.
जनाब अरशद क्यानी साहब फरजान अरशद क्यानी हसन क्यानी अजान अरशद क्यानी और साकब क्यानी साहब कैसर क्यानी साहब एहसान क्यानी हारून क्यानी उसामा क्यानी और अब्दुल्ला क्यानी इन सारा सजना निशाद के जन बोल मैं विश कर रहा हूँ एक यानी ग्रुप जितने सवाल है इन सारा सजना निशाद का
शेर अपने मर्जी ने जनाब साढ़े काबिल इहतराम क्या नहीं अरशद साहब उन्होंने हुक्म ने मुताबिक बड़ा प्यारा शेर बहरहाल बिलखसूस राजा कलीम साहब और आफस इखलाक साहब उन्होंने पेश नजर कर दामन साहब ने लिखा आवाज की थी के
जनाब काबिल इत्राम जाओ जाओ साहब उन्होंने पीछे नजर मेरे रहबर जनाब नमन जी या नाजर साहब चंगे मेरे ना तल्ला उन्होंने ख्याल लिखिया सरकार फरमाने के ओ मेरी सादगी दी
जनाब जितने भी ज्ञानी बरादरान और मलक शौकत साहब, ज्ञानी उताब साहब, मेरे भाई रहमान ज्ञानी साहब और जनाब मलक वकास साहब और जनाब वकास चीमा साहब और जनाब साढ़े प्यारे भाई काबिल काम एहसान ज्ञानी साहब उन्हें राजगान उन्होंने भी चाह जितने दोस्त भाई सारे निजात और जनाब अलाउसर गुफार पट्टी साहब और खजान क्यानी साहब साड़ी काबिल इत्राम उन्होंने पेश नजर साथियों
खुशी की मुबारक घड़ी आ रही है। सुर्ख जोने में चांद सिंदूर है, जमीन पे फलक से Let's go.
बैंक उस तो बाद यार जिंदा सफर वागे जी हो जी एक बैंक वर्षा उसके बाद सारे अंताई काबिल एहतराम इस महफिल ने जीना इस महफिल तशरीफ फरमाए जनाब बाबा आरिफ साहब तबला नवाज जेडे कि मरहूम चौधरी अकरम लाल जाने रहे उस तो बाद होर भी जेडे पुराने शेर खान अल्लाह पाक उन्हां दी जवारे रहम करे और जनाब बिलखसूस तजारत कियानी साहब अरशद कियानी साहब अजमल कियानी साहब चौधरी साहब और जनाब अयाज दुल्ला साहब इन्हें चार करता बजी हो जी Just to see that.
तमाम संगियां दोस्तों जुड़ गई मेरे की अर्थ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू वाह मेरे सोने अरकान से बात हो जाए मैं खुदा जो बंदा है ना उमर शीदा बंदा मेरे दोस्तों तकरीबन 55 साल के इस फील्ड चो बहरहाल बिस्मिल्लाह मारी वाली क्यों इस तरह का गर्मी लगी वाकई इस खिलवाड़ा ताजा रहना पवेदारी हो जाए चिट्ठी ऐसा नहीं ख्वाहिश मुताबिक गल बताई जा जी तो ज्यादा नहीं एक शेर पर सा जे कुछ चंगा लगाए तो दा चाहिए जे ना लाए तो आख्या बाबा भाई को गल यही है जने को दोए मतलब चले गए नहाने वास्ता तो रमजान का महीना सा तारी चंगी पानिया चक्की ने तो पहले जिन्हें आख्या उस आख्या जी गल सुनी है उस्ताद जी है जी उस आख्या तुसा नहीं कदम इजाजत है तो मैं मस्जिद नहाई के ना जो मुसलमाना अगर उस्ताद अगले जा सुन दो कूजी है जनाब जी तेरे अंदर उन्हें आख्या पुत्र गल सुनी है मैं मसला पढ़िया वा क्या उन्हें आख्या ढाई कूजे इस्तेमाल करने पैने ढाई कूजे बंदा पानी उपर इस्तेमाल करे बंदा जुर्मदार हो जाना उस आख्या उस्ताद जी ने फिर मैं क्या बारे सोचा रोजे भी ज्यादा तंग किया आखिरी लाल साहब ने ठंड पानी मैं तकी उठा जो जले चले जुड़े हाँ जरा गेल कपड़े से फिर लाए ने तकिया पे जैसे हिस्सा नाता हाँ तो फिर पानी इस गल को नहीं रही आखिर उस्तादे बोधर मैं आदि हाँ मतलब एक रिहाई लोड़ नहीं आखिर मैं मतलब नहीं समझा उस जी मैं चुम्बी मारना है मैं जिसे तक चुम्बी ना मारा मैं स्कूल नहीं हसना उन्हें आख्या पुत्र मारी तरफ जात होती मां ने छाल हो जिन्हें मारी छाल पानिया में गया बिस्मिल्लाह करी और पानी पी नहीं पिया उस्तादा तक आ गया बिचा कौन उस्ताद पुर भुका ना डली गई चंगा रगड़ा उन्हें पूछ गया बाहर इतना शीर तब सा क्या वाह सुभान अल्लाह उस्ताद जी अंदर चलो चाला मैं ठंडा लगा ना आखिर उस्ताद जी अंदर चलो चाला फट पेट आखिर नहीं पुत्र अपनी कम भाला क्यों कुछ उन्हें पूर्ण रगड़ा छिकिया था ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੱਛੇ ਟਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਟਾ ਦੇ ਟਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਟਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋ ਚੜੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ लिखने वाले का ख्याल कबूल दवा करिया ओ सदके नबी
ने गोल खोला सोनिया जावे वाले क्या नाल कोई सरकार की नजर से सोने कमरी वाले की छान पानी उम्मत दी खातरिया झूर बाजू पानी उम्मत दी खातरिया झूर बाजू खुश रखे छोड़ो गुस्सा
छोड़ो रिजवान साहब, छोड़ो गुस्सा, जिद करना इनकार छोड़ो, वापस पलट कर आओ, तुम लौट आओ। हुआ क्या, किस बात पर खफा हो तुम, बोलो कुछ तो बताओ, तुम लौट आओ। दुनिया जालम मोहब्बत की है दुश्मन, हर किस तुम ना घबराओ, तुम लौट आओ। जावत तोड़ कर दिले मासूम मेरा, जाने वाले ना जाओ, तुम लौट आओ। उजर नहीं किसे नु दोष देदा, उठी निगा मोहब्बत ने राह ले गई, पर चमकी उम्मीदा ने चमन उत्ते मेरे खिड़े गुलजार नु आ ले गई। करदा रहा तदबीरां नी तुम्र सारी, तबा बजमे फराक विच चा ले गई, चाद फिड़के अदिल दीदार कारण मौत मेरी आजादी ने सा ले गई। मुझसे न हो सका कासद, मेरी तरफ से उनको सुना देना, इस बात का माजत खुआ हूं मैं, ओ मेरी माफ करारी सदा देना। आज कल जो गुजर रही है मुझ पर, आंखों देखा सवाल बता देना, मेरे पास है खत फयाज उनके, ओ जिनमें लिखा है पढ़ के जला देना। फी अमान अल्लाह।